मंगा साहब आप बात कर रहे थे मुकम्मल की जी, मैं अर्ज कर रहा था कि इससे कोई तब्दीली नहीं आ सकती मुझसे लिखवा के रखा। नहीं, कैंडिडेट तो मैदान में मौजूद है, मौजूद है, गुजारिश है कुरान करीम के आजाद में मौजूद है। ला युगय्यिरुल कौम, यानी अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकात उतनी देर तक किसी कौम की हालत नहीं बदलती जब तक वहाँ के लोग खुद ना बदलना चाहें। जब तक मुझे बताएं आप, जब आपने भी बड़ा सरकारी मुलाजमत में देखा है, मैंने भी बहुत देखा है कि जब अंदर बंदा जाता है तो वो अकेला ही होता है मोड़ लगाने के लिए, लेकिन उस बेचारे में शऊर ही नहीं है कोई, उस वक्त तो प्रेशर नहीं होता। आप सही जगह पर निशान लगाएं। लेकिन मुसीबत यह, मेरी बड़े वोटर से बात हुई, उन्होंने कहा जी सारे अगर चोर इकट्ठे हो जाए तो मैं तो फिर ना लेसर ही बल्केड़ा ठीक है। लेकिन ना यहाँ अगर मुझे आप अलाउ करें, मैं एक चीज़ कहूँगा, आपकी सिविल सोसाइटी, आपका सोशल मीडिया और आपका मीडिया ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और कुछ लोग कहते हैं जी कि नहीं वो तो आम लोगों के एक्सेस नहीं है सोशल मीडिया तक, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ होती, मैंने अनपढ़ लोगों को भी जिनको कुछ नहीं आता उनको भी मोबाइल्स के इर्द गिर्द देखा है और वो पूछ रहे थे कि हो क्या रहा है। इवन आप रिमोट विलेज के अंदर भी चले जाएँ तो उनको ये पता चल जाएगा कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात कैसे हैं और वोटिंग हो रही है तो क्या करना है। आप इसमें आपसे ज्यादा बेहतर कौन जानता है कि ऐसा बिल्कुल ऐसा ही है और ऐसा क्यों हो रहा है, आप उसे बेहतर जानते हैं। दे आर पेड पीपल, उनके खासकर एक पार्टी के जिनका काम ही पैसे लगाना है, जिन्होंने सियासत को एक कारोबार बना रखा है, लगाने वाले को मिलता है जो पैसे खर्च करके तो आते हैं और फिर कमाते हैं। आपसे सवाल है कि आप देखिए इस वक्त कौमी इलेक्शन हो रहा है और जब हमने लिस्ट देखी है उसमें मतलब वाकई बंदा गड़बड़ा जाता है। जिस तरह मुंगा साहब ने कहा है कि ये बंदा तो पिछली हुकूमत में सारे हेरा फेरी करके फ्रॉड करके तो सब लोग कहते पकड़ो इसे, आराम से लेफ्ट साइड पर हो गया किसी और पार्टी में और वहाँ दंदना रहा है, उसी हुकूमत को क्रिटिसाइज कर रहा है जिसने लिखा। क्या होना चाहिए कि जिस वक्त बाद में कम अज़ कम किसी पार्टी में इलेक्ट हो जाता है और लकीली वजीर भी बन जाता है तो अगर वो पार्टी चेंज करता है तो कौन से वो दलील देता है कि मैं उसको छोड़ रहा हूँ तो दूसरी कबूल कर देती है। बल भाई आपका ये सवाल आज के हालात के किनारे में मादी के किनारे में बड़ा अहम है। देखें अगर समाज समाज अपने अंदर जैसे हम बात करें समाज अपने अंदर ऐसी तब्दीली ले आता है जो सोशल ईवल के खिलाफ उठ खड़ा होता है और इन लोगों की सपोर्ट भी करता है, इनकी नफी करता है, ये जहाँ जाते हैं इनका बायकॉट करता है, तो फिर तो हम ये समझते हैं कि लोगों में तब्दीली आई। जैसे मोहम्मद साहब कह रहे थे कि तब्दीली ज़ाहिर है, अगर जब तक तब्दीली लेने वाले लोग एक्सेप्ट करने वाले लोग वो एलिमेंट सामने नहीं आएंगे तो तब्दीली कभी नहीं आएगी। इनसे बराज है कि तब्दीली की ख्वाहिश तब्दीली की लाने के लिए अभी तो पीपल्स पार्टी का है सिर्फ, आप ये देखे ना, इसलिए इसलिए कि किसी पार्टी के पास इस वक्त कोई ऐसा स्लोगन नहीं है जो या कोई ऐसी लीडरशिप नहीं है जो पाकिस्तान के इन आइसोलेशन वाले हालात को दुनिया के आगे ऐसे मकाम तक पहुँचाए कि अब तरक्की याफ्ता कौमों में। इमरान खान भी इसको तोड़ तो नहीं रहा। बात इमरान खान साहब के साथ बड़ी जूत थी, बदकिस्मती से इमरान खान उस जूत को अपने साथ नहीं चल पाए। आप वो भी कहते हैं देखें जी हुकूमत बनाने के लिए इलेक्टेबल होना ज़रूरी था, जो इलेक्टेबल होते हैं इनके लिए कोई अध्यक्ष नहीं होते। अब जैसे आपने देखा बहुत सारे जो नवाज शरीफ कैसे, मुझे तो ये शर्म आती है वाकई। मैं यार ये सबसे कहना चाहूँगा क्योंकि हमने पिछले 5 साल बड़ी एफर्ट किया अदालतों में रोड पर कि जिन लोगों को हमने जूते मारकर बाहर निकाला था आज उन्हें हम अपने कंधों पर उठाकर फिर ला रहे हैं। तो मैं अपनी ज़िंदगी का मैं कम ऐसा काम नहीं करना चाहता कि देखिए मैंने एक केस के अभी जो चार दिन कबल जैर समाज था जिसमें ये खकान अब्बासी साहब भी बैठे हुए थे वहाँ के बेंच के जो सरबरा थे खकान अब्बासी अपने इलाके में बड़ी मीडिया खड़ा है। ये आपको बड़ी क्वालिफिकेशन दौर हो गई, बड़ी अहम छोटा सा मतलब है कि और बात मैं आपको बड़ी अहम बता रहा हूं, सुन लीजिए भी अच्छी बात है कि बेंच के सरबरा जनाब मदार नकवी साहब ने काउंसिल से कहा कि देखें जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं सादे के अमीन
वो तो घरों में बैठे हुए, उनको तो सलाम ही नहीं लेता भाई। जब इलेक्शन इन्होंने लड़ना है जो चोर डकैत हैं, तो फिर क्यों आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं? और बाकी इसमें कोई शक नहीं है, किसी उम्मीदवार जिन जो अपने डॉक्यूमेंट दिए हैं, बड़े बड़े खानदानों के लाडलों ने गाड़ियाँ डिक्लेयर नहीं की हैं, उनके घरों में जाएँ तो लंबी लाइन होती है, हाईकोर्ट के बाहर उनकी गाड़ियों पे, बड़ी बड़ी गाड़ियों पर उनके पोस्टर लगे होते हैं, तस्वीरें लगी होती हैं, जब हाईकोर्ट के अंदर आते हैं कि मेरे अकाउंट में कुछ नहीं है। एक ऐसा शख्स जिसके अकाउंट में है ही 15 लाख रुपए, तो वो 3 करोड़ रुपया 5 करोड़ रुपया अपने इलेक्शन पर कहाँ से लगाएगा? इसका मतलब है कि जिसने अपनी बुनियादी झूठ और फ्रॉड की बुनियाद पर रखी है। तो ऐसे उम्मीदवारों से हम तीनों का ऐसा ही है कि ये तो रखना, ये कौम की खिदमत करेंगे, हमारे लिए पॉलिसियाँ लाएंगे, हमारे लिए तालीम का बंदोबस्त करेंगे, सेहत का बंदोबस्त करेंगे, अच्छी इन्वायरमेंट लाएंगे, साफ पीने का पानी लाएंगे, ये डैमों की तरफ जाएंगे, तो ये मेरा ख्याल है कि फिर हमें डैम ही हम रहेंगे, वो डैम जैसे हम बेवकूफ़ कहते हैं। तो तरक्की के लिए ज़रूरी है कि जैसे मोगा साहब ने कहा कि अवाम सोच बदले, अगर अवाम सोच बदलेंगे, अब देखिए अब चौथा एक्सपीरियंस है डेमोक्रेसी का, चौथा एक्सपीरियंस है 10 सालों से, ये जो जिनकी मोगा साहब कह रहे थे कि उनको खात्मे आला ही नहीं मानते वो रहे, ऐसे 10 सालों से सिंध के बड़े सूबे में एक ऐसी जमात इकतदार में रही जो लोगों के हकूक की बात करती है, हारियों की बात करती है, किसानों की बात करती है, मजदूरों की बात करती है, तलबों की बात करती है, वेमन की बात करती है, लोगों के बुनियादी हकूक की बात करती है, अगर वो डिलीवरी में नाकाम रही है तो मेरा ख्याल है कि फिर हम सवाल ये है कि लोग जैसा सिंध है, सिंध सर आपके सामने है कि कराची कचरे का ढेर बन गया, उसी तरह आप मरी या इस्लामाबाद रावलपिंडी का देख लें हाल कि रावल डैम में तमाम वेस्टेज और कूड़ा क्रिकेट से भर चुका है, पानी दे नहीं सके। ख़ास तौर पर ये जो वज़ीर आज़म शाह का खान आबादी साहब का थे अक्सर कहते हैं कि मेरे खिलाफ साजिश है, क्या ये किस मुँह से लोगों से जाकर वोट मांगते हैं? कोई शर्म नहीं आती? मैं दो तीन चीज़ें मैं आपसे एक तो डिस्कस करना चाहूँगा। अभी देखें बड़ा इन्होंने ना एक कहते हैं कि मुफसल किस्म की बात की सिंध के बारे में, पंजाब के बारे में, और 10-10 साल का दौर था। हकीकत में देखा जाए इन दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिल के पाकिस्तान को तबाही के उस दहाने पे जाके बिठा दिया है कि एनीबडी नो हु इज़ गोइंग टू बी इन द गवर्नमेंट। आई वुड से कि लोग रफली कहते हैं जी कि एक गवर्नमेंट बनेगी, मे बी कुछ लोग शामिल करके हो सकता है कि इमरान खान इज़ गोइंग टू टेक द गवर्नमेंट, या सारा जो कुछ भी है, लेट्स सी कि रिजल्ट निकलता क्या है। बट हु एवर इज़ गोइंग टू बी द गवर्नमेंट, पहले देखें उसको मईशत बिल्कुल तबाह हाल में मिलेगी, ज़रारत का उससे बुरा हाल है, इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर वी स्टैंड नो वेयर, पाकिस्तान के अंदर पानी का इतना प्रॉब्लम, सेहत की सहूलतों का, एजुकेशन का, यू नेम एनी डिपार्टमेंट एंड प्रैक्टिकली इन दोनों हुकूमतों ने इन सब चीज़ों का बेड़ा गर्क कर दिया है। उससे भी बढ़ के जो कर्जे का इतना बड़ा पहाड़, तकरीबन $100 बिलियन का कर्जा तो वो है जो IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक, ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं, और 60 बिलियन का कर्जा हमने चाइना से लेके चढ़ा लिया। 160 बिलियन का कर्जा जो है वो $1 बिलियन का कर्जा आपने देना है, और उससे दुगना कर्जा जो है वो इंटरनली है जो कि देना है जी, बिल्कुल $800 मिलियन आपने, बिल्कुल सही है, दुबई से लेना है, जो इत्तसालात वालों से लेना है वो अभी अब तक नहीं ले सके। तो मकसद कहने का ये है कि जो अगली हुकूमत आएगी तो मैं ये समझता हूँ कि उनको बड़ा सीरियसली इन सारी चीज़ों को टेक ऑन करना पड़ेगा। इट इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम, अगले जो 5 साल इस हुकूमत के अंदर होंगे, FATF के अंदर आप ग्रे लिस्ट के अंदर गए हुए हैं कि किसकी काइंड कर्सी है, सर्टली जी आप इस चीज को सवारे, आपको हेड बना दिया जाए जी, और 5 साल बाद कहें कि तो मुझे हटा दो, तो सारा ढांचा तबाह करके चले। अब यही तो मैं आपसे अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हमें अपना इन जितने लोग जो 10 साल पंजाब और सिंध को रूल करके गए हैं उनको अकाउंटेबिलिटी के अंदर लेकर आना चाहिए, उनसे हिसाब किताब लिया जाना चाहिए कि सिंध के जी सालों के चारों वज़ीर आज़म जो रहे जी उन पर करप्शन के अभी हाँ, चल रहे हैं। फिर वो दुनिया जो अपने टैक्सेस के पैसे को बड़े तोड़ कर ऐसा ही है उनकी नेशन उनकी अकाउंटेबिलिटी करती है, जब वो कर्जे देते हैं तो क्वेश्चन करते हैं नहीं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा ना। अब हुआ क्या है जी, अब वो जब आप ऐसा ही है। अच्छा एक तो ये हो गया, सो मैं ये समझता हूँ कि अगले आने वाले 5 साल
نئی حکومت کوئی بھی لیتا ہے اس گوئنگ ٹو بی ویری ویری ڈیفیکلٹ. اگلی چیز جو آپ نے سوال کیا اور بڑا میں کہتا ہوں بڑا پرٹیننٹ ہے, ایک تو جیپ ہو گئی اور دوسرا یہ ہر شام کو دیکھتے ہیں 5 سے 6 گھنٹے. نہیں میں میڈیا کی میں بات کرنا چاہتا ہوں. ہاں میں میڈیا جی بالکل بالکل ایسے میں سب سے پہلے تو میں میڈیا کی بات ہاں نہیں میں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا. میڈیا کی جیسے آپ نے بات کی جو وہاں پر سوڈو انٹلیکچوئلز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, آپ امیجن نہیں کر سکتے آپ اسٹیٹ میں یو کین جو بولتے ہیں اور اگلے 2 منٹ کے اندر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کہاں سے بول رہے ہیں, جیب سے بول رہے ہیں, لفافہ بول رہا ہے, ان کے پیچھے کون ہے. اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ فوج کو کہتے ہیں جی آئیں آپ الیکشن کرائیں. یہ نہیں امیجن کریں کہ وہ حکومت جو کہ کہتی ہے جی کہ ہم کرکٹ میچ بھی فوج کے بغیر نہیں کرا سکتے, اور وہ جب حکومت باہر ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں جی کہ اگر فوج ہوگی تو ہم الیکشن کو تو مانیں گے نہیں. مقصد کہنے کا صرف یہ ہے. اور پھر وہ کیونکہ ان کے پیٹ جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ٹیلی ویژنس کے اوپر مختلف چینلز کے اوپر, اور وہ اس ساری مہم کو اتنا مضموم طریقے سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ کہنے کی کیا کوشش کرتے ہیں کہ جی جو آرمی ہے بیسیکلی وہ ایک اس کا حصہ ہے, ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک جس سے آرمی نے جیپ کا نشان لیا ہے. ہاں جی وہ تو لینڈ کروزر پر چڑھ کے پھر رہا ہے, ووٹ مانگ رہا ہے. یہ بالکل میں آپ سے متفق ہوں. دیکھیں جہاں تک اب اوکے الیکشن کے لیے سائنس دینے کا تعلق ہے بھائی, اٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود اینی ملٹری آرگنائزیشن. یہ الیکشن کمیشن جانے, اور یہ جو ملک کا جو مروجہ قانون ہے اور آئین ہے اس کے تحت ان کو جتنے بھی نشانات ہیں وہ دیے گئے ہیں, اور اس نشان کے تحت یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے یا ان کے ایک ایریا آف انفلوئنس آتا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اگر ہم جیت جاتے ہیں تو پھر بھی ہم قومی حکومت بنائیں گے, پولیشن گورنمنٹ بنائیں گے, ہم لوگوں کو سوار نہ کریں. اس میں کیا کہیں, یہ سب قوم کو بھی بے وقوف بنا رہے ہیں, بناتے چلے آئے ہیں, باقی پارٹیوں کو بھی چکر دے رہے ہیں. اپنے بڑے بھائی کا بیان تو پہلے ٹھیک کرائیں, یہ پریزیڈنٹ ہیں نون لیگ کے اور وہ جناب قائد ہیں, بات ان کی ساری چلتی ہے. اتنی دیر تک وہ شاید مغل صاحب ان کا کوشچن بڑا ویلڈ ہے. دیکھیں اگر یہی قوم جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, جس کا ایجوکیٹ بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہی قوم انہی لوگوں کو دوبارہ الیکٹ کر کے لے آتی ہے اور مینڈیٹ فٹ ہو جاتا ہے, تو دیکھیں پھر تو ہمارے پھر ہمارے آئین کے مطابق جو ماننا پڑے گا ماننا چاہیے. عقل پر ماتم کریں. بات کی سر کرنل صاحب نے معیشت کی بات کو ٹچ کر دیا ہے. یہ اتنا بڑا سبجیکٹ ہے کہ معیشت لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ بالکل نہیں کس تباہی کے ایسا ہی جنابے والا ان کو نہیں پتا کس وجہ سے ہے. 14 روپے 2008 جناب 14 روپے لیٹر مہنگا ہو گیا ہے اس مہینے میں, اور 8 روپے مہنگا ہو گیا ہے پیٹرول. میں کوئی اثر نہیں ہونا, کوئی اثرات نہیں ہوں گے. مثلا اگر ان کو سزا ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی سمتی میں کچھ ووٹ کا اضافہ ضرور ہوگا. بہت شکریہ صاحب, اسد صاحب, آپ کا سب شکریہ.